आपका मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है, मेरा नाम खुर्शीद अहमद खटाना, मैं हल्का आवरा डी का सरपंच हूँ और मेरे हल्के में हर सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा आरएनबी की तरफ से जो रोड पिछले साल सीआरएफ स्कीम के तहत उसकी वाइडिंग की गई थी और वो रोड इसी तरह पड़ा हुआ है। हमारी छोटी गाड़ियाँ क्या पैदल भी नहीं हम चल सकते हैं, बल्कि ये आज से पहले 10 दिन पूरा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का चेयरमैन भी यहाँ आया था और सारे डीडीसी भी थे, उन्होंने मौके पर देखा कि पूरा नाला बना हुआ है हमारे इस जो आवरा से मनवन और रिछवाड़ी रोड है, रोड की इतनी खस्ता हालत है कि इंसान पैदल भी नहीं चल सकता है। और दूसरा सर के हमारे साथ हर सेक्टर की नाइंसाफ़ी हो रही है। बिजली डिपार्टमेंट के देखें तो एक तो हमारे सर्दियों में तो बिजली होती ही नहीं है 6 महीने, और 6 महीने ये गर्मियों के जो हमें बिजली होती है 2-3 घंटे या 4 घंटे, तो इस टाइम हमारे लोग जो होते हैं गुजर पहाड़ी लोग हैं, हमारे हल्के में सारे ज़्यादा से ज़्यादा एसटी के लोग हैं और वो आजकल बहकू में चले जाते हैं, तो आज भी हमें बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर हमारे ख़राब हैं तो वो भी नहीं है, ट्रांसफार्मर की कमी थी। बैक टू विलेज में मैंने 10 लाख दिया PDD को, उसमें मैंने कुछ पोल रखे और 2 ट्रांसफार्मर और उनका उन्होंने प्लान बना के साइड देख के आज तक पैसा हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और मेरे खासकर मेरी जो बस्ती है, मेरा जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरा अपना ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। आज हो गए उसको 25 दिन खुद मैं ले गया, गाड़ी का इंतज़ाम किया, पैसे दिया, उसको रिपेयर करके लाया और आज तक वो पड़ा, कोई भी ध्यान नहीं दे रही है हर लिहाज से। एजुकेशन देखें, चलो आज कोविड की वजह तो एजुकेशन हमारे स्कूल बंद हैं, लेकिन मेरे हल्के में हर स्कूल में 200 बच्चे